हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंट जो मैं आज बताने वाली हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्डिंग जो है मेरा ये आज का वीडियो है तो किस तरीके का फ्रॉड या स्कैम आपके साथ हो सकता है और मेरे साथ क्या हुआ वो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ एक्चुअली आज से जो है छः महीने पहले जो है जब मैं वियतनाम के लिए जाने वाली थी तो जिस दिन का आई थिंक मेरा फ्लाइट था उस दिन जो है मुझे बार 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 जैसे होता है लोगों को अपना मंथली जो है टारगेट पूरा करना होता है क्रेडिट कार्ड का तो मुझे जो है बैक टू बैक कॉल आने लगे कि मैम आप आज आ जाइए जो है मुझे जो कॉल आया वो यूको बैंक आ, से आया एस बी आई कार्ड के लिए क्योंकि मोस्टली जो बैंक्स हैं वो uh, जो है आपकी एल आई सी और आपके क्रेडिट कार्ड जो दूसरे uh, call, uh, मतलब जो है पार्टनरशिप uh, में इस तरीके के जो बैंक्स हैं इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो जो है uh, मुझे जो कॉल आया वो यूको बैंक में, uh, में uh, जो है मेरा अकाउंट है तो वहाँ से कॉल आया मुझे एंड बार बार जो है मुझे फोर्स किया गया कि मैम आ जाइए और मैंने उनको बाय चांस जैसे कि मेरा फ्लाइट था मैंने उनसे डिस्कस किया कि आ, मैं क्रेडिट कार्ड नहीं अभी ले सकती नहीं बनवा सकती जब मैं वापस आऊँगी तब मैं देखूँगी क्योंकि मेरी जो है फ्लाइट है और मुझे जाना है तो मैं क्रेडिट कार्ड रिसीव भी नहीं कर पाऊँगी तो मैं यहाँ हूँगी नहीं अवेलेबल नहीं हूँगी तो मैं नहीं ले सकती तो उन्होंने जो है फ़ोर्सफुली जो है उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं पाँच मिनट का टाइम है आप बनवा लीजिए और मेरे को भी लगा कि चलो मेरे पास नहीं है मुझे बनवा लेना चाहिए एंड uh, क्योंकि मुझे जो ये फ़ोन कॉल आया था वो किसी रोड पे बैठे या कोई स्पैम कॉल नहीं था मुझे बैंक में जो है आ, उनका जो है काउंटर है वो वहाँ पे बैठते हैं तो मुझे लगा कि हाँ जेनवन कॉल है और अगर मैं बनवाना चाहती हूँ और इस बार बन रहा है तो ठीक है मुझे बनवा लेना चाहिए तो किसी तरीके का फ्रॉड या जो है स्कैम मेरे साथ जो है नहीं हो सकता और जो है मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारी चीज़ें दे दी एंड उन्होंने भी जो है और क्रेडिट कार्ड बनवाने का रीज़न मेरा ये था कि क्योंकि जो है इंटरनेशनल जो फ्लाई मैं करती हूँ इंटरनेशनल जो एक्चुअली जो मुझे लगता है कि ऑन एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल जो लॉन्जेस होते हैं वो अगर आप कोई जो है फूड पैक कराते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है और मुझे लगा कि ठीक है कि क्रेडिट कार्ड का जो है एक ईयरली लेके मुझे एयर टिकट्स हैं या लॉन्जेस हैं वो फ्री मिल जाएंगे तो ये करण था मेरा क्रेडिट कार्ड बनवाने का तो मैं चली गई कि चलो कोई नहीं वो जो है मुझे नेक्स्ट टाइम यूज़ में आ जाएगा कार्ड और मैं इसलिए चली गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है ये क्रेडिट कार्ड जो है जब भी डिस्पैच होगा आपकी मेरी जो मॉम है मेरी मदर को जो है उनका नंबर उनका आधार कार्ड मैंने उन सब सारी चीज़ें उन्हें दी कि मैं अवेलेबल नहीं होंगी यहाँ पे इंडिया में तो उनका जो है नंबर ये है और उनका आधार कार्ड ये है आप उनसे कांटेक्ट करिए और उनको जो है मिल जाना चाहिए और जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि ईयरली जो है आपका अमाउंट जो डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से वो आफ्टर uh, रिसीविंग होगा आपको जो आफ्टर रिसीविंग जो है ये अमाउंट जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा ईयरली तो मैंने कहा ठीक है आफ्टर रिसीविंग अगर ये होता है तो मैंने अपनी मॉम से जो है काफ़ी बार जो है वियतनाम से कंफर्म किया आ, क्योंकि मेरा जो इंटरनेशनल रोमिंग है वो मैंने चालू नहीं करवाया था उस टाइम तो आ, मैंने अपनी मॉम से कंफर्म किया तो उनको को, किसी भी तरीके का आ, जो कॉल है वो रिसीव नहीं हुआ किसी तरीके का क्रेडिट कार्ड जो है उनको नहीं मिला या ना ही मुझे जो किसी तरीके की जो ईमेल है आपकी फ़ोन नंबर अगर जैसे नहीं मिलता है तो आपकी ईमेल आईडी ली जाती है जिसमें जो है ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाता है कि जो है वो लोग कार्ड डिस्पैच कर रहे हैं और कार्ड जो है आने वाला है एक दो दिन में या कुछ भी है सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है थ्रू ईमेल हम सबको मिलती है वैसे ही ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ ना ही मुझे किसी तरीके का ईमेल रिसीव हुआ ना ही मेरे मॉम को कोई कॉल रिसीव हुआ ना ही कॉल आया ना ही जो है क्रेडिट कार्ड उन्हें मिला और जब मैं आ, चार साढ़े तीन चार महीने बाद जो है मैं आई तो चार महीने बाद जब मैंने बैंक विजिट किया एंड पासबुक को अपडेट किया तो उसमें से दो महीने पहले ही जो था इयरली अमाउंट क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी उनका वो डिडक्ट हो चुका था आ, और जैसे कि मुझे उस लड़की ने जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने मुझे ये बताया था आफ्टर रिसीविंग जब आप उसका पिन जो है न्यू पिन जनरेट करेंगे जब वो कार्ड को आप एक्टिव करेंगे तो जो है आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ किसी भी कार्ड को बिना रिसीव करे आ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली और वो अमाउंट डिडक्ट हुए दो महीने हो गए थे और तो मैंने जो है जैसे कि आ, मुझे लगा कि बैंक में मुझे जाके कम्प्लेंट करनी चाहिए क्योंकि उनका भी काउंटर वहीं है वो भी वहीं पे होते हैं तो मैंने आ, जो एजेंट के थ्रू जिस एजेंट के थ्रू ये करवाया था जिन्होंने मुझे कॉल पे बुलाया था उनसे मैंने काफ़ी बात करी की और उनको पासबुक अपडेट करवा के जो है बैंक में भी कंप्लेंट किया मैंने उनको भी बताया कि इस तरीके का हुआ है तो उन्होंने मुझे ये कि आ, उन्होंने जो ये कंप्लेन जो फाइल की कि ठीक है आपको जो कार्ड है रिसीव हो जाएगा मैंने ईमेल कर दिया ई ईमेल में उन्होंने जो लिखा वो ये लिखा कि ये टाइप किया कि वो कार्ड दो बार डिस्पैच हुआ लेकिन रिसीव नहीं करने वाला कोई घर में मिला जो है बहुत ही रॉन्ग ऐसे लगा कि जैसे कि एक होता है कि कोई गेम प्लान होता है और उसमें जो ईमेल है वो भी अपने तरीके से लिख रही हैं कि मैं उसमें जो है कुछ नहीं कर सकती और कार्ड आया होगा क्योंकि अगर कार्ड डिस्पैच होता है तो किसी तरीके का ई नहीं था तो मैंने उनको बोला कि कोई मैसेज दिखाइए अगर इस नंबर पे हुआ है कोई मैसेज दिखाइए कोई ईमेल दिखाइए अगर आपने डिस्पैच किया है और रिसीव नहीं हुआ इस तरीके की ईमेल भी आई होगी कुछ भी हुआ होगा लेकिन ऐसा उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिखाया क्योंकि ये सारा जो था जिस तरीके की आ, मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बैंक वालों के साथ साथ आ, आपने किसी से क्रेडिट कार्ड बनवाया है और आप बता रहे हैं कि आप इस देश में नहीं हैं या हो सकता है कि आप इंडिया में होते तब भी ये सारे इंसिडेंट आपके साथ होते लोग पासबुक जो है अपडेट नहीं कराते या नंबर जो है अपडेट नहीं कराते हैं या किसी रीज़न से जो है हो सकता है कि ऐसा हुआ हो उसके बाद मैंने एक महीने तक पूरा जो है वेट किया और मेरा जो है हर दूसरे तीसरे दिन कॉल गया कि मैडम मुझे जो कार्ड है वो रिसीव नहीं हुआ है आज हो जाएगा कल हो जाएगा उन्होंने मुझे बहुत सारी जो है ईमेल जो है मुझे दी कि आप इस जगह ईमेल करिए तो ईमेल की साइड से जो मेरी ईमेल आईडी थी वो ब्लॉक कर रखी थी जिससे उनको रिसीव ना हो उसके बाद मैंने उनको स्क्रीन भेजा उसके बाद उनसे मैंने न्यू ई मेल जो है वो ली और वो मैंने जो है उस पर मैंने कंप्लेन फाइल करी कि मेरा जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो चुका है तो मुझे कार्ड नहीं लेना या जो है डिस्पैच नहीं हुआ है तो मुझे जो है पेमेंट जो है रिवर्स आप मेरे अकाउंट में कर दीजिए तो इस तरीके का ईमेल मैंने चार से पांच बार किया है जिसमें मैंने अपनी इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल आईडी अपना अकाउंट नंबर के साथ मैंने ये ईमेल किया और उनकी साइड से एक ई रिसीव हुआ कि कैंसिल करवाने के लिए मेरे को कैंसलेशन पे डालना पड़ेगा अन कैंसिलेशन के लिए क्या होता है कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ता है और जोनो जिन एजेंट ने मेरे को एक्चुअली ईमेल करने के लिए बोला तो मैंने उनसे बोला कि क्रेडिट कार्ड मुझे रिसीव नहीं हुआ तो क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के मैं कैंसलेशन का भी एप्लीकेशन कैसे डालूँ तो उन्होंने मुझे जो है क्रेडिट कार्ड नंबर दिया अपने जो भी जिनके लिए भी काम करती हैं ये बैंक जिनसे भी कनेक्टेड हैं तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड नंबर लेके मैंने कंप्लेन जो है कैंसलेशन का डाला और जो है एक दो बार मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ कि कुछ अमाउंट जो है जो मेरा जो डिडक्ट हुआ था थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अमाउंट था ईयरली जिसमें से टू हंड टू थाउजेंड टू हंड्रेड जो है एक ऐसे मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि ये जो है रिवर्स जो है क्रेडिट कार्ड में हो गया जो कि क्रेडिट कार्ड आपको मिला नहीं था तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं अपनी पर्सनल चीज़ें और जैसे अमाउंट डिडक्ट हुआ है कि वो आपको रिसीव नहीं हुआ अगर जेनवन कुछ चीज़ें होती तो वो चीज़ें जो हैं आपको आप तक दोबारा रीडिस्पैच होके आपको मिल चुकी होती या कैंसलेशन का जो भी प्रोसीजर हुआ कि मैंने जो भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस करी उसके कारण क्रेडिट कार्ड का मिसयूज हो सकता था कोई इंसान के पास अगर मेरे नाम का क्रेडिट कार्ड है तो कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता था उसके बाद मैं बैंक की ब्रांच मैनेजर से मिली और मैंने बोला कि ये लोग जो हैं आपके बैंक में बैठ के अगर इस तरीके का कस्टमर के साथ करेंगे तो कस्टमर जो है अकाउंट ही जो है क्लोज करवा देगा वो तो रखेगा ही नहीं तो उन्होंने जस्ट फॉर फॉर्म फॉर्मैलिटी उन्होंने जो है उनको बोला कि ये चीजें सॉर्ट क्यों नहीं हुई है एंड कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कुछ भी है फिर उन्होंने मुझे जो है एट द एंड बोला कि ये थर्ड पार्टी पेमेंट है एंड होम उसमें कुछ नहीं कर सकते तो जो बैंक की ब्रांच मैनेजर हैं उन्होंने भी इस तरीके का कहा और जो है आपको आ, जो अमाउंट है वो रिसीव नहीं हुआ और जो ब्रांच मैनेजर ने कॉल किया वो उसी जो है फीमेल को किया जिनका मुझे कॉल आया था क्योंकि अगर कोई हेड होता उस बैंक से कनेक्टेड कोई हेड होता अगर कोई और ऊपर के होते तो वो कॉल उनके पास जाता क्योंकि जिनके साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप में अपने बैंक में काम कर रखा है और उनके जो है कस्टमर्स के साथ इस तरीके का हो रहा है कि छः महीने हो गए उस चीज़ को ना कार्ड रिसीव हुआ ना कार्ड में रिसीव ना होने के साथ साथ ना जाने कौन वो क्रेडिट कार्ड आपके नाम का यूज़ कर रहा है तो इन चीज़ों से कि हम जब हम जैसे जो कस्टमर होते हैं जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो काइंडली अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें और अपनी जो पासबुक है उसको जो है अपडेट करवाते रहिए नहीं तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं उस पर आप चेक करते रहिए कि किसी तरीके का कोई अमाउंट डिडक्ट तो नहीं हुआ कुछ मिस तो नहीं हुआ जो आपके बैंक से डिडक्ट होता जा रहा है धीरे धीरे करके तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन रखिए नंबर अपडेटेड रखिए और कोई भी चीज़ होने के बाद जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए ब्रांच मैनेजर से मिलिए एंड किसी भी तरीके का फ्रॉड होने पर आप ज़रूर एक्शन लीजिए जो मेरे साथ हुआ वो मैं छः महीने का जर्नी बता रही हूँ कि छः महीने में ना मुझे क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ ना मुझे कुछ हुआ एंड अमाउंट का जो है अगर आपके अमाउंट से आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है तो वो मुझे ऐसे लगा कि अगले साल भी या कोई भी जो है मेरा कार्ड का किसी के पास भी मिस यूज़ हो सकता है तो ये सारे लोग मुझे ऐसे लगे कि सारे के सारे जो लोग हैं ये मिले हुए थे ब्रांच मैनेजर से लेके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो मुझे लगा सारे मिले हुए हैं और वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं तो इतना ट्रस्ट करने के बाद कि बैंक के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप इस तरीके के स्कैम से और कि आपकी आपको ये लगे कि बैंक हर बैंक में ये नहीं कह रही कि हर बैंक में हुआ मेरे साथ जो हुआ वो यूको बैंक में हुआ इस डेली की मैं बात बता रही हूँ एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके थ्रू हुआ आप स्टेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है ओरिजिनल स्टाफ बैठा था या क्या था क्या नहीं था बट जो मैं चीजें बता रही हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब हम जैसे कस्टमर ऐसे ट्रस्ट करते हैं बैंक के ऊपर एंड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आप कोई ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते तो सेफली हर चीज़ को लीजिए एंड इस तरीके के स्कैम से बचिए तो ये था मेरा वीडियो आप लोगों को अलर्ट करने के लिए कि आपके साथ भी जो जिस तरीके का मेरा चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो आपके साथ ना हो और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप बैंक के किसी भी एम्प्लॉय से या किसी भी चीज़ किसी भी से भी जो है शेयर मत कीजिए अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं और कुछ भी चीज़ होने पर जो है आप कंप्लेंट जरूर फाइल कीजिए तो ये था मेरा वीडियो तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग